Now we know just the moment when the Aam Aadmi Party decided that Atishi will take over as the interim chief minister. You have the BJP firing salvos at Atishi, at the Aam Aadmi Party, calling Atishi a sympathizer of Afzal Guru. And a host of other accusations against her, with some of them within the AAP, like Swati Maliwal accusing her on being soft on terror elements like Afzal Guru. Now, let me quickly cut across to Piyush, who joins us to give us more on the BJP's take on Atishi taking over as caretaker. Piyush, we know that Atishi's posters have been put out in a sense on social media. They've made creatives where they make Atishi look like the puppet of Arvind Kejriwal. We saw Atishi speaking right outside the residence of Kejriwal right after that decision was made, and she says, well, I am only the interim, and that's clear. The focus and the face of AAP is still Arvind Kejriwal. Well, absolutely, Nabila, we have seen as to how the politics is also taking place on the entire matter. Though the BJP is now opposing, announcing the name of Atishi also, we have seen as to how the BJP since beginning was demanding that the entire cabinet must be dissolved and a new cabinet must be formed. Right now, I'm also joined with BJP MP Kamalji Sarawat. Remember that BJP, since beginning, had been demanding the resignation of Arvind Kejriwal since the time the corruption allegation against him surfaced. But now, ma'am, we have a new face. Atishi is going to be the chief minister. At 4:30, Arvind Kejriwal is going to resign. Being a member of BJP, how do you see the politics which is now taking place in Delhi? कि हम लगातार अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रहे थे, पर उन्होंने इस्तीफा कभी दिया नहीं। अब जब इस्तीफा दिया है तो मजबूरी में दिया है। जब ऑनरेबल कोर्ट ने इतनी शर्तें लगा दी कि आपको जो केस चल रहा है वो सही ग्राउंड पर चल रहा है, आपको बेल देना, क्योंकि भारत के संविधान की यही खूबसूरती है कि हर आदमी को उसका अधिकार दिया जाता है, बेल जरूर दी जा रही है, बट आपको सेक्रेटरी जाना अलाउड नहीं है, फाइल साइन करना अलाउड नहीं है, आप विदेश नहीं जा सकते, केस पर बात नहीं कर सकते, और आप आगे कोई भी काम एज ए मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो नया चेहरा है आतिशी, वो कितने आपको लगता है कि वो सजग होंगी और कितना सक्सेसफुल दिल्ली के लिए हो सकती है? पिछले महीनों में आतिशी जी को देख रहे हैं, और एक तरह से कहें तो सबसे पावरफुल मंत्री और अदृश्य रूप से मुख्यमंत्री की पावर उनके पास थी, लेकिन उनके टेन्योर में दिल्ली को एक एक बूंद के लिए तरसता हर कॉलोनी ने देखा है, और जब बारिश हो गई तो दिल्ली को डूबते भी देखा है। जल भराव में 12-13 लोगों की दिल्ली के अंदर या तो बेसमेंट में पानी भरने से या करंट लगने से अगर मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। आतिशी जी लगातार स्कूलों का दौरा किया, लेकिन स्कूलों में दरार है, बच्चे फेल हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये जो घटनाएं हैं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आतिशी जी पहले ही फेलियर थी, कोई उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। अफजल का उन पे टैग लगता है, हम इसको आप किस तरह से देखें? सोच ही उनकी समाज और देश के हित में नहीं है। अगर वो अफजल के लिए बात करती हैं, वो देश के लिए ऐसी बात करती हैं जो कि एक राष्ट्रभक्त को नहीं करनी चाहिए, तो बहुत बड़ा सवाल है। और उनकी विचारधारा तो खुद कहती है कि मेरे फादर ने मेरा नाम जो रखा है इसीलिए रखा है, लेकिन नाम के साथ में उन्होंने पिछले महीनों में जब दिल्ली में काम संभाला, आशा गृह की घटना, 13-14 बच्चे टीबी से डेथ हो जाना, बहुत तकलीफ की बात है। वो बच्चों को स्पेशल अटेंशन चाहिए थी और उनको वो भी नहीं मिला जो आम आदमी को मिलता है। दिस इज हाउ द बीजेपी इज एस्केलेटिंग इट्स अटैक ऑन आतिशी। रिमेंबर नमिला दैट सिंस द टाइम द एलिगेशंस ऑफ करप्शन सरफेस्ड अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, बीजेपी इज आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल। दो ही डिड नॉट स्टेप डाउन, ही वेंट टू जेल, एंड व्हाइल व्हेन ही केम आउट एट द टाइम व्हाइल इंटरेक्टिंग विद हिज वर्कर्स ऑन इटसेल्फ, ही सेड दैट यू नो ही वुड सीक द मैंडेट ऑफ पीपल एंड देन ओनली he will again become the chief minister. But today he's going to resign, and then we have a new face in Delhi, and that's Atishi. Well, new face in Delhi, Atishi more entrenched in administration here. She's in fact been fronting Arvind Kejriwal's style of governance ever since he's been in prison for the last 6 months. Hello. She's bolstered the Aam Aadmi Party's ethos, the ideology, the populist welfare schemes that has worked very well for the Aam Aadmi Party here in Delhi. It appears that Atishi this time has a bid to continue, or she at least brings some level of continuity. Let me take you through all the reactions that's come in. Condemning her, condemning AAP, the BJP firing Salvo, saying this is just posturing. It was not done, Arvind Kejriwal resigning was only due to compulsion and not principle. The comments coming in from the BJP, let's hear it. Jitna sukh aaj mere man mein hai,
आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक, हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई और उनका बीजेपी आरोप लगा रही कि वो डमी सीएम साबित होंगे। वो बीजेपी का काम है आरोप लगाने का, उनकी कोई चिंता नहीं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है, जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी प्ली क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरा अरेस्ट लीगल नहीं है, ये प्ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अरेस्ट लीगल है, तो कहां से जीत गए? बेल मिली है, तो बेल मिलना और बेल में भी कंडीशन डाल दी कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों में दस्तखत नहीं कर सकते। तो अब उसको लेकर के इन्होंने पूरा 2 दिन से जश्न मना रहे हैं। दिस इज द टाइम व्हेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी, व्हाट एवर ही डिसाइडेड वी आर विद हिम एंड दिस इज द टाइम व्हेन आतिशी जी विल हैव टू एक्ट लाइक भरत जी। इफ यू रिकॉल द रामायण एपिसोड, सो आतिशी जी विल बी होल्डिंग दिस पोस्ट अंटिल अरविंद केजरीवाल जी कम्स बैक। आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। Alright, well, where we hear reactions, the governor's home is getting ready to receive the Delhi chief minister with his resignation letter. This is what it looks like. Media frenzy, of course, that apart, we're looking at a host of security agencies who've come together. They've been deployed here in abundance in case anything untoward. Of course, security maximum right outside the governor's office while they're going to be handing over the letter of resignation. Arvind Kejriwal stepping down as the chief minister of Delhi, a big, big surprise that he sprung while he was in prison. He refused to resign, saying he will challenge the BJP and ensure he stays in power and continues working jail se sarkar. That's what he had promised. None imagined that he would step out and the first thing he'd do is say he would resign. He claims that he's not hungry for power. He now leaves the responsibility on the citizens, on the people of Delhi, to give him that certificate of honesty through their vote in the upcoming elections. Very interesting to see Arvind Kejriwal's political acumen showing up and how. Let me cut across to Amit Bharadwaj for more on that. Amit, the BJP calls this a move out of all right, we have Kumar Kunal there. Kumar Kunal, BJP says this is a move out of compulsion. Arvind Kejriwal had no choice. His powers were crippled. He had no powers to actually execute as the chief minister of Delhi. So what else? This is a grandstanding he's taken out of compulsion and nothing else. But you tell me, out of years of your experience, do you see this as a masterstroke, as Arvind Kejriwal's political acumen at its best, that he's used his next few months before Delhi elections in the best possible way?
Yes, keeping the current situation in mind, it's obviously a master stroke because after coming out from jail, Arvind Kejriwal can't attend his office. Even he can't sign any files. So at this moment, he doesn't have any other option but to give the charge to any other person who is there in his cabinet. So making Atishi is obviously a master stroke because she can take their agenda further on from here, and she can take, obviously, there are so many schemes which is waiting to roll out, including the rupees 1,000 per month scheme for women. So all those schemes were waiting, those schemes have not been put forward due to Arvind Kejriwal was in jail. So now the situation has arrived. Now the situation has come up that Delhi is all set to go to the elections, and here any kind of delay they can't afford, and that's why Arvind Kejriwal took such a step to resign and come out from the CM's office. Now his agenda will be continued by Atishi and other cabinet ministers, and definitely that will give some kind of popularity or some kind of some kind of boost to the chances of Aam Aadmi Party before the assembly elections. All right. Well, clearly here, Atishi has been elevated against all odds. With all the senior leaders that exist within the Aam Aadmi Party, Atishi seems to be the chosen one.